तो कहो ना हमने एसन ऑन और एसन टू अभिक्रिया देखी थी, उदाहरण देखे थे उसको, ठीक है। आज है पेपर में सवाल भी आ रहा था वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया या फिर निराकरण अभिक्रिया या फिर बीटा विलोपन अभिक्रिया, तो हेडिंग लगाओ निराकरण अभिक्रिया या फिर बी हाइड्रो हेलोजनी करण, बी हाइड्रो हेलोजनी करण या फिर बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा विलोपन अभिक्रिया ये है रिएक्शन। तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब, ठीक है, निराकरण का मतलब क्या होता है, निकलना सीधे, ठीक है, निष्कासन होना, ठीक। तो यहां पर देखना वी हाइड्रो हेलोजनीकरण पकड़ना क्या है, वी हाइड्रो हेलोजनी करण, वी हाइड्रो हेलोजनी करण। तो देखना इसका मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है निकलना, वी का मतलब क्या होता है, निष्कासन होना, निकलना, ठीक है, ठीक। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और हेलोजनीकरण का मतलब, तो हेलोजन क्या होता है, एक्स, एक्स। और करण का मतलब क्या है, जो जुड़ा हुआ, करण का मतलब क्या है, जुड़ा हुआ। तो जो हाइड्रोजन और हेलोजन जुड़े हुए हैं उनको क्या करना है, हेलो एल्केन से निकालना है। हमने अभिक्रियाएं कौन सी पढ़ रहे हैं, आर एक्स की पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो हेलो एल्केन के पास जो हाइड्रोजन होगा और जो क्या होगा, एक्स होगा, एक्स क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को किससे निकालना है, आर एक्स से, और साथ में किसको निकालना है, वहां से हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन और एक्स का निकालना क्या कहलाएगा, वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु और एक्स यानी कि हेलोजन परमाणु का निष्कासन, ठीक है, क्या निष्कासन। तो अब यहां पर देखो कि हेलोजन कहां से निकलेगा, हेलोजन तो जो पहले नंबर का कार्बन होगा उसी से निकलना है, ठीक है, हेलोजन क्या है, जो पहले नंबर का कार्बन होगा उससे निकलना है। जो यहां पर हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा वो किससे निकलेगा, ठीक है, जो कौन सा, हाइड्रोजन परमाणु। तो याद रखना कि आर एक्स में इन अभिक्रियाओं में, आर एक्स में हाइड्रोजन आर एक्स से, हाइड्रोजन परमाणु बीटा स्थिति से और एक्स हेलोजन परमाणु अल्फा स्थिति से निकलते हैं। तो क्या याद रखना है, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा से क्या निकालना है, एक्स, एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वी हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब क्या, हाइड्रोजन तथा हेलोजन का क्या, निकलना, ठीक। हेलोजन जो है अल्फा कार्बन से निकलेगा और जो
हाइड्रोजन होगा वो किससे निकलेगा, बीटा कार्बन से, ठीक है। हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से और हैलोजन बीटा कार्बन से निकलेगा, ये। तो अब पहले समझो कि अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा कार्बन, पहले इसको नोट करो। ये कर दिया, जैसे ये देखो ये है मेरे पास, ये ठीक है, ये H जुड़ा इससे, H H H H H H, ये है जैसे, ठीक है। तो अब खुद देखो यहां पर जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है, क्रियात्मक समूह कौन सा यहां पर, एक्स है, क्या है यहां पर, ये क्रियात्मक समूह, जो कार्बन क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है उसको बोला जाता है अल्फा कार्बन। मतलब ये कौन सा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन, किससे जुड़ा है, जो एक्स से, अल्फा कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन, क्या होगा, बीटा कार्बन, और बीटा के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है, गामा कार्बन, क्या बोला, क्रियात्मक समूह से जुड़ने वाला कार्बन, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा से जुड़ा कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा कार्बन, और बीटा से जो जुड़ा होगा वो क्या होगा, गामा, इस तरीके से। अब देखो अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे, जैसे कितना हाइड्रोजन है यहां पे, दो, ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा, बीटा कार्बन से जो जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन, क्या हो जाएंगे, बीटा हाइड्रोजन। गामा हाइड्रोजन से जो जुड़ने वाले हाइड्रोजन, सॉरी गामा कार्बन से, किससे, जो गामा कार्बन से जुड़े होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा, गामा हाइड्रोजन, ये गामा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन और गामा हाइड्रोजन, इस तरीके से, समझिए। अब यहां देखो ये क्या बोल रहा है कि अल्फा कार्बन से क्या निकालते हैं, ये उल्टा हो गया यहां पे, ये जो एक्स है वो किससे निकलेगा, अल्फा से, और जो एच है वो किससे निकलेगा, बीटा से। हाइड्रोजन परमाणु किससे निकलेगा, बीटा कार्बन से, सही कर देना इसको, हाइड्रोजन परमाणु किससे निकलेगा, बीटा कार्बन से, ठीक है, किससे निकलेगा, बीटा कार्बन से, ठीक। तो यहां पर देखो इस अल्फा कार्बन से क्या जाएगा, ये एक्स निकलेगा, और बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, दो, तो हाइड्रोजन निकल सकते हैं यहां से, क्या निकल सकते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, क्या निकल सकते हैं, हाइड्रोजन। तो अब देखो दूसरा केस देता हूं, जैसे एक केस और, ठीक है, एक केस और देता हूं, जैसे कर दिए नोट, ये ध्यान रख लेना, बीटा से हाइड्रोजन निकालना है, वो मिस्टेक हो गया था, उल्टा हो गया था, ठीक है। यहां पे देखो जैसे दूसरा केस लेते हैं, आर एक्स के अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है और बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन परमाणु। जैसे मैं ये लेता हूं, अब बताओ मेरे, मैं कार्बन नंबर दे देता हूं, एक दो तीन, कौन से नंबर का कार्बन अल्फा कार्बन होगा, जिससे क्या जुड़ा होगा, एक्स, क्रियात्मक समूह, क्या जुड़ा होगा, क्रियात्मक समूह, ये जुड़ा है, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है, ये है, ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन।
इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, ये वाला भी बीटा है और ये वाला भी क्या होगा, बीटा ही, बीटा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन, बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन, ये क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन, ये क्या हो गए, बीटा हाइड्रोजन। समझ गए, बीटा कार्बन से जो भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन। ठीक, तो अब देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से होती है। ठीक है, अब क्या देखनी है, अभिक्रिया, रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, हो गया, अगर आसान है कोई दिक्कत नहीं है, सब बता देंगे कॉन्सेप्ट। ठीक, रिएक्शन देखना, जैसे मैं ये लेता हूं, रिएक्शन किस तरीके से होती है, ये, और ये अभिक्रिया होगी एल्कोहोलिक KOH के साथ, किसके साथ है, KOH के साथ होगी, लेकिन कैसी होगी, S लिखा होगा, एल्कोहोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्कोहोलिक, इसी प्रकार की अभिक्रिया हमने पढ़ी थी, कल पढ़ी थी, C2H5Br के साथ, लेकिन वहां पर KOH कैसा था, एक्वस, जलीय था। तो जब जो है एक्वस होगा, जलीय होगा, तो कौन सी अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब जो है एल्कोहोलिक KOH होगा, कौन सी अभिक्रिया होगी, निराकरण अभिक्रिया। सुन रहे हो, दो चीजें हैं, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या लिखा हुआ गया, एल्कोहोलिक। ठीक है, तो अगर यहां पर जैसे KOH क्या होता, ऐसे लिखा होता क्या, AQ, कौन सी अभिक्रिया होनी थी, प्रतिस्थापन, नाविक रागी प्रतिस्थापन, नाविक रागी प्रतिस्थापन। लेकिन अगर KOH को ब्रैकेट में क्या लिखा है, यहां पर ALC, एल्कोहोलिक, तो क्या होगा, निराकरण अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक, तो अब यहां देखो होगा क्या, क्या बोला, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, हैलोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, अल्फा कार्बन से एक्स, एक्स में क्या क्या हो सकता है, सीएल, बीआर और आई, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन परमाणु, बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन परमाणु। तो अब खुद देखो, यहां से अल्फा कार्बन कौन सा है, जिससे कौन जुड़ा है, तो कौन जुड़ा है, जिससे बीआर जुड़ा है, यही तो है एक्स की जगह पे, तो ये क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालना है और अल्फा कार्बन से क्या निकालना है, बीआर। तो यहां से ये बीआर निकलेगा, किसके साथ चला जाएगा, के साथ, के प्लस और ओएच माइनस में टूटेगा, ये किस में टूटेगा, ये के प्लस और ओएच माइनस में। ठीक है, के प्लस और ओएच माइनस में, तो यहां से बीआर माइनस निकलेगा किसके साथ, के साथ, क्या आ गया, के बी आर प्लस। यहां से देखो इससे क्या निकलेगा, H, H किस रूप में निकलेगा, प्लस के रूप में, यहां पर कौन बैठा है, OH, क्या बन गया, H और OH बन के H2। अब इसको जोड़ो, क्या क्या बन गया, इससे क्या निकाला, जैसे ये वाला हाइड्रोजन निकाल दिया, क्या क्या बचा यहां पर, H, यही तो बच्चा, H निकल गया ये वाला,
किसके साथ? OH- के साथ H2O। ये Br निकल गया किसके साथ? K के साथ, KBr। ठीक, अब यहां पर क्या है, ये H निकला, ये Br, तो C बचा आ गया, H बचा आ गया, H बचा आ गया, H बचा आ गया, H बचा आ गया और C बचा। लेकिन जहां से जिन कार्बन से निकाला है, किस किस कार्बन से निकाला है? अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से, तो वहां बीच में क्या आ जाएगा? डबल। और ये क्या बन गया? ये एथीन बन गया। ये क्या बन गया? सी टू एच फोर। और इसका नाम क्या है? एथीन। और यही सवाल आ रहा था पेपर में, एल्कोहोलिक लिखा था। अब खुद बताओ, अगर यहां पर एल्कोहोलिक की जगह क्या होता? एक्वस। तो OH ने किसकी जगह पे जाना था? Br की जगह पे। और Br ने कहां जाना था? OH की जगह पे। कौन सी अभिक्रिया उदान थी? नामकरागी प्रतिस्थापन। लेकिन ये किसके कारण हो रहा है? एल्कोहोलिक के OH के कारण, कि एल्कोहोल आ गया। क्या आ गया? एल्कोहोलिक के OH। ठीक है, अब एक सवाल खुद से करो, एक सवाल क्या करो? खुद से। ठीक है, एक सवाल क्या करना है? खुद से करना है। ये कर दिया नोट, इसको करो जल्दी नोट। यहां देखना क्या होगा, अल्फा कार्बन ये है जो Br से जुड़ा है, कौन सा है? ये है अल्फा। तो सुन रहे हो, इसको ना ऐसे लिख रहा हूं मैं, लोग लिख दिया ऐसा। तो अल्फा कार्बन कौन सा है? ये। इससे क्या निकलेगा? Br। ठीक है, एल्कोहोलिक KOH के संग, तो क्या निकल गया? KBr। दूसरा क्या है? बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? H। किसके साथ? OH के साथ। क्या बन गया? H2O। ठीक, H2O बन गया। इसके बाद देखो यहां पर अब जो है क्या होगा, इसमें देख रहे क्या क्या, एक तो यहां से Br निकाल दिया और यहां से क्या निकाल दिया? H। यहां क्या बचा है? सी एच थ्री, ये वाला सी एच थ्री, यहां से कुछ नहीं निकाला, ये अल्फा कार्बन था, ये क्या था? बीटा। ये सी एच थ्री पूरा का पूरा है सी एच एच एच, तीन एच है वहां सी एच थ्री। यहां से देखो ये क्या निकाला है, ऐसे एच निकाला है, यहां पे कितना एच बचा है? एक। क्या लिख दूंगा उसको? सी एच। क्या हो गया? सी एच। इसके बाद देखो जहां से अल्फा और बीटा पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड से। अल्फा और बीटा कार्बन किससे जुड़ता है? अल्फा और बीटा कार्बन के मध्य, के मध्य क्या आएगा? डबल बॉन्ड। जब अभिक्रिया करवा देंगे तो अल्फा कार्बन ये था और बीटा ये था, इनके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां पर कितना एच बचा है? एक एच ये बचा और एक एच ये बचा है, किसके पास है? कार्बन के पास। क्या हो गया? सी एच टू। ये क्या बन गया? प्रोपीन। क्या बन गया? प्रोपीन। इस तरीके से अभिक्रिया हो गई। अल्फा कार्बन से क्या निकालना है? हेलोजन, BrCl जो भी। बीटा कार्बन से क्या निकालना है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या हो रहा है? निष्कासन। तो निराकरण अभिक्रिया, कुछ भी जुड़ नहीं रहा है, सारा का सारा क्या हो रहा है? इस हेलो एल्केन से निकल ही रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेट करना, निकालना है बस। अब जैसे मैं यहां पर जो है एल्कोहोलिक ना करके क्या कर दूं? एक्वस कर दूं, अगर ये कर दिया मैंने एक्वस, तो कौन सी अभिक्रिया होगी तब? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आसान है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन में क्या होगा? ये OH माइनस होगा, ये Br माइनस होगा। OH माइनस किसकी ओर जाएगा? Br हटाएगा वहां से, तो OH यहां चला जाएगा और Br यहां आ जाएगा, KBr निकल जाएगा, निकलेगा KBr, और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 और OH, प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये किसके केस में? अगर एक्वस लिया होगा, ये जरूर देखना जलीय है, एक्वस का मतलब क्या है? जलीय। एल्कोहोलिक का मतलब क्या है? एल्कोहोलिक। ठीक, चलो अच्छी बात है। इसके बाद एक सवाल और करते हैं,
ये है जैसे अगली अभिक्रिया, इसको करो जरा, एल्कोहलिक KOH ले रखा है, क्या ले रखा है, एल्कोहलिक KOH। यहां देखो, यहां पर जो बीटा है वो कितने है, दो है, ठीक, तो मतलब यहां पर कितने उत्पाद बनने वाले हैं, दो उत्पाद। अरे समझ लो, ये वो बीआर से जुड़ने वाला कार्बन है, ये क्या है, अल्फा, अल्फा के अगल बगल ये क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। तो मतलब यहां पर कितने प्रकार के उत्पाद बनेंगे, दो प्रकार के, और उनमें से भी क्या होगा, मुख्य उत्पाद एक ही होगा। तो उस मुख्य उत्पाद का जो निर्धारण करेगा वो करता है सेडजेफ का नियम, किसका नियम, सेडजेफ का नियम, कि मुख्य उत्पाद कौन सा हो, ठीक है। पहले यहां पर बना के देखते हैं दोनों उत्पाद, पहले मैं क्या करता हूं, यहां से इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा और इस अल्फा कार्बन से क्या निकालूंगा, बीआर, ठीक। तो यहां से क्या निकलेगा, के बी आर तो कॉमन है सब में, के बी आर प्लस क्या होगा, एच टू ओ, ये तो निकालना है, यहां से मतलब बी आर निकलेगा कहां से, यहां से, ठीक। अल्फा कार्बन से क्या आया, बी आर माइनस, किसके साथ, के प्लस के साथ, के बी आर बना दिया। बीटा कार्बन, इस वाले बीटा कार्बन को ले रहा हूं मैं अभी, ये जिसके ऊपर मैंने एक वो कर रखा है, इसको ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। तो इससे क्या निकाल दिया मैंने, एक एच निकालूंगा, क्योंकि बीटा से क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, दिख रहा है यहां पर एनपीएस में, इस वाले में ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बनाऊंगा, तो बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो मतलब यहां जो है, जहां से निकाल रहे अल्फा और बीटा के बीच में क्या आ जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, किसमें आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पर, यहां तो CH3 पूरा है, ठीक, दूसरा यहां पर क्या आ जाएगा, एक एच निकाल दिया है इससे, तो कितना एच बचा, एक ही सी एच, उसके बाद क्या बोला, क्या आएगा, डबल बॉन्ड। उसके बाद यहां से क्या निकाला था, बी आर निकाला था इससे, इससे क्या निकाला था, बी आर, तो सी एच वैसे ही रहेगा, और यहां से क्या है, सी एच, ये क्या बन गया, ब्यूट टू इन बन गया, ये ब्यूट इन टू, ब्यूट टू इन, एक उत्पाद तो ये बना, दूसरा मैं इस तरीके से यहां से बना रहा हूं इस साइड से। अब क्या करूंगा मैं दूसरे केस में, कि बी आर तो अल्फा कार्बन से निकल नहीं है, लेकिन अब किसको मानूंगा, बीटा कार्बन, इससे निकालना है, एक बार इससे निकाला, एक बार इससे निकाला, ठीक। तो इस केस में क्या बनेगा, के बी आर में निकलना ही है, और एच टू ने भी क्या होना है, निकलना ही है, ठीक। अब यहां देखो मैंने क्या किया, अल्फा कार्बन से तो बी आर निकाला, और इस बीटा वाले कार्बन से क्या निकाला, एच, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी एच थ्री। इधर मैंने नहीं निकाला, अभी ये वाला नहीं लिया मैंने, अभी कौन सा लिया है, ये वाला, तो यहां क्या हो जाएगा, सी एच टू, ये क्या है यहां पर, सी एच, और सी एच से क्या निकाल दिया, बी आर। अब अल्फा और बीटा ये हो गया, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, इससे क्या निकाला है, एक हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन बच जाएगा, ये क्या बन गया, ब्यूटीन वन बन गया, ये ब्यूटीन वन। अब समस्या ये है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, क्या बोला, समस्या क्या है कि मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। अब देखो यहां पर कि जब ये अभिक्रिया हुई तो यहां पर समस्या क्या है कि अब दो प्रकार के उत्पाद बन गए, एक ज्यादा मात्रा में बनेगा और एक क्या बनेगा, कम मात्रा में, ठीक। तो यहां पर मतलब मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो इस चीज का निर्धारण करने के लिए यहां पर क्या होगा, सेडजेफ का नियम लगेगा। सेटजेफ का नियम बोलता है कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन से ज्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे, जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन से, मतलब जब भी कुछ इस प्रकार की कहानी आ रही है हमारे पास, क्या कि निराकरण, जो हेलो एल्केन की निराकरण अभिक्रियाओं में अगर दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है, तो वहां पर जो मुख्य उत्पाद का निर्धारण होगा वो किस नियम से होगा, सेटजेफ के नियम से। सेडजेफ का नियम क्या बोलता है कि अगर दो प्रकार की एल्कीन जो है निराकरण अभिक्रियाओं में बन रही है, तो वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी
जिस एल्कीन के द्वि आबंधित कार्बन के पास ज्यादा एल्किल समूहों की संख्या होगी, मतलब मेथिल एथिल इस तरीके से, ठीक है। अब मैं बताता हूं जैसे मुख्य कौन सा है, मैंने क्या बोला सेडजेपर नियम क्या होता है कि जिसके पास जिसके डबल बॉन्डेड कार्बन के पास क्या होगा ज्यादा एल्किल समूह। इधर डबल बॉन्डेड कार्बन नजर मारो, ये और ये है, इधर डबल बॉन्डेड कार्बन नजर मारो ए और, ठीक। इसके द्विआबंधित कार्बन पर कितना एल्किल समूह है, ये CH3 कौन सा मेथिल। इसके पास भी कितना है ये CH3 कौन सा मेथिल, कितने एल्किल समूह आ गए दो। यहां देखो क्या इसके पास कोई एल्किल समूह जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। यहां से कोई जुड़ा है, हां जी जुड़ा है, कौन सा एथिल है, अरे C2H5। एल्किल समूहों की संख्या किसके पास ज्यादा है, इसके पास। तो इसका मतलब मुख्य उत्पाद कौन सा हो गया, ये। कितने एल्किल समूह है दो, इसके पास कितना है एक। तो ये क्या होगा मुख्य और ये क्या होगा अल्प, ठीक है। ये क्या होगा मुख्य और ये क्या होगा अल्प। एनपीएस बिठा दू, ठीक है। दूसरा एनपीएस लिखते हैं, ठीक। तो हैशटैग निराकरण यानी कि बीटा विलोपन या हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया में जब भी दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो मुख्य उत्पाद का निर्धारण यानी कि मुख्य एल्कीन का निर्धारण सेटजेफ के नियम से नियमानुसार सेटजेफ के नियमानुसार करते हैं, सेटजेफ के नियमानुसार करते हैं। सेटजेफ का नियम क्या है, सेटजेफ के नियमानुसार निराकरण यानी कि बीटा विलोपन निराकरण अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद वह एल्कीन होती है जिसके जिसके द्विआबंधित कार्बन के पास ज्यादा एल्किल समूह होते हैं, ज्यादा एल्किल समूह उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये किसके नियम के अनुसार है, सेटजेफ के। ये इसे करो, ये क्या है टू ब्रोमो पेंटेन है, क्या ये टू ब्रोमो पेंटेन सेम होगा, ये। तो यहां देखो ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, ये भी क्या है बीटा। पहले जो है मैं अल्फा से बीआर निकालूंगा, यहां से क्या निकालूंगा बीटा से हाइड्रोजन।
तो देखना यहां पर क्या बनेगा, CH3 उसके बाद CH2 है, उसके बाद यहां से क्या निकाला हाइड्रोजन, बीटा से क्या निकाल रहा हूं हाइड्रोजन, क्या बन गया CH1 हाइड्रोजन निकल गया। उसके बाद अल्फा और बीटा के बीच में क्या आना था डबल बॉन्ड, उसके बाद यहां से अल्फा से क्या निकाला Br, क्या बच गया वहां पर CH, इधर से क्या बचा CH3, एक ये बना ठीक। इसका नाम क्या है पेंट टू ई नहीं, ये क्या है पेंट टू इन। अगले वाले केस में क्या करते हैं इस बीटा से नहीं निकालते, आप किससे निकालते हैं इस बीटा से, यहां देखो CH3 आएगा, अब KBr और H2O तुम्हें पता है निकलना ही है वो ठीक है, और क्या आएगा CH2, और क्या आएगा CH2, इससे क्या निकलेगा Br, और क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। इधर देखो यहां कितने H बच जाएंगे जब यहां से एक H निकल गया, दो CH2, इसका नाम है पेंट वन या पेंटीन वन, और यही तो बनेगा समझ गए। अब मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, तो किस नियम से होगा सेटजैप के नियम से, किस नियम से होगा सेटजैप के नियम से। सेटजैप का नियम क्या बोलता है, निराकरण अभिक्रियाओं में वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होगी जिसे एल्कीन के द्विआबंधित यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एल्किल समूह क्या होंगे ज्यादा। इधर देखो इधर ये है, इधर नजर मान लीजिए डबल बॉन्ड, इसके पास क्या है एक एल्किल समूह, इसके पास भी क्या है दूसरा एल्किल समूह, आगे दो एल्किल समूह, इधर देखो ये डबल बॉन्ड है हमें, इसके पास क्या है एक ही एल्किल समूह, ये प्रोपिल है यहां एथिल और उधर क्या है मेथिल, तो कौन सा हो गया मुख्य ऊपर वाला मुख्य और नीचे वाला क्या हो गया। इस तरीके से जो है निराकरण अभिक्रिया क्या थी, निराकरण अभिक्रिया। तो निराकरण अभिक्रिया जो है सर्वाधिक किस प्रकार का हेलो एल्केन देगा ठीक है, क्रियाशीलता किसकी होगी, मतलब किसकी होगी सबसे अधिक 3 डिग्री की, उसके बाद 2 डिग्री की, और सबसे कम 1 डिग्री की। तो विलोपन अभिक्रियाओं में यानी कि विलोपन अभिक्रियाओं में क्रियाशीलता का क्रम, यदि हैलोजन क्या हो सेम, क्रियाशीलता का क्रम सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा 3 डिग्री RX, उसके बाद 2 डिग्री RX, उसके बाद 1 डिग्री RX सबसे कम होगा ठीक है। तो ये नोट कर लो, तो इतना है इसमें विलोपन अभिक्रिया, निराकरण अभिक्रिया या फिर वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद अगला टाइप यहां पर धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसके साथ रिएक्शन हैलो एल्केन की अभिक्रिया, धातुओं के साथ और धातुओं में क्या है एक तो मैग्नीशियम के साथ, दूसरा सोडियम के साथ ठीक है, मैग्नीशियम सोडियम के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया लिखो वोल्टाज अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया वोल्टाज अभिक्रिया, पेपर में आती है। तो वोल्टाज अभिक्रिया में क्या होता है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, क्या बोला एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु, सोडियम मतलब Na के साथ,
सोडियम धातु के साथ साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्केन प्राप्त होता है। क्वेश्चन कैसा आता है? कैसे प्राप्त करोगे एल्किल हैलाइड से एल्केन? तो अगर जो है RH से क्या बनाना है, क्या बनाना है? एल्केन। तो कौन सी अभिक्रिया आएगी? बूटाज अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अभिक्रिया किस तरीके से। जैसे मैं RX लूंगा, क्या ये हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है, मतलब RX लूंगा, ये क्या है? एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन। इसकी अभिक्रिया करवाऊंगा किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। किसके साथ? सोडियम Na धातु के साथ। ठीक, तो यहां पर ना जो RX लेना है वो दो लेना है। RX कितना लेना है? दो RX। तो दूसरा RX ले लेता हूं मैं। X और R मैंने किस तरीके से लिख दिया, RX। दो अणु किसके लिए? मैंने एल्किल हैलाइड। तो यहां देखो Na के साथ एक क्या निकल जाएगा? X। क्या निकल जाएगा Na के साथ? X। दूसरा X में निकलेगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? Na चाहिए होगा। तो Na कितने चाहिए? दो। मतलब दो अणु RX चाहिए, दो अणु एल्किल हैलाइड। RX और Na भी कितने चाहिए? Na भी दो, दो। ये तो अब यहां से देखो, यहां से ये X निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा? X। क्या निकल गया? 2Na और 2X, मतलब 2NaX क्या हो गया? गायब। 2NaX निकला। अब देखो यहां पर R से क्या जुड़ जाएगा? R, और क्या बन गया? ये एल्केन है। ये क्या है? एल्केन। जैसे मैं उदाहरण के लिए लेता हूं, CH3Br लेता हूं मैं। यहां देखो क्या लेता हूं? CH3Br। कितने CH3Br लूंगा फिर? दो। RX मतलब CH3Br ले लिया, कितने? दो। तो सीधे 2CH3Br ले लिया। और Na कितने लूंगा? 2Na। कितने लूंगा? 2Na। 2Na के साथ क्या निकल जाएगा ऐसे? 2Br। और यहां पर ना शुष्क ईथर भी है, किसकी उपस्थिति में हो रही है अभिक्रिया? शुष्क ईथर की। तो शुष्क ईथर। ठीक, तो यहां देखो क्या बन जाएगा, यहां पर देखो Br के साथ क्या निकल गए? 2Na। तो 2Na Br निकल गया। और CH3 कितने आ गए? दो। CH3 और CH3। ये देखो C2H6 एथेन होता है। C2H6 क्या होता है? एथेन। क्या बन गया? ये दो कार्बन वाला एल्केन। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया है। कौन सी? वोल्टाज अभिक्रिया। कैसे? जैसे बोल दिया कि कैसे प्राप्त करोगे क्या? ब्रोमोमेथेन। इसका नाम क्या? ब्रोमोमेथेन से एथेन। मतलब एक कार्बन वाले से क्या प्राप्त कर रहे हैं? डबल कार्बन वाले। जैसे आगे सवाल, कैसे प्राप्त करोगे ब्रोमो मेथेन से एथेन? कौन सी अभिक्रिया? वोल्टाज अभिक्रिया। इसके बाद अगली अभिक्रिया है वोल्टाज फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन क्या है? वोल्टाज फिटिंग अभिक्रिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, इसमें क्या करते हैं? एक अणु एल्किल हैलाइड का लेंगे और एक अणु किसका लेंगे? हेलो एरीन का। क्या करते हैं? एक क्या लेते हैं? एल्किल हैलाइड, और एक क्या लेते हैं?
हेलोएरिन, जैसे ब्रोमोबेंजीन ले लो या फिर क्लोरोबेंजीन ले लो, तो वहां पर जैसे ही अभिक्रिया करवाते हैं तो वहां पर क्या बनता है, टॉलविन बनता है वहां पे, क्या बनता है टॉलविन। एक आरएक्स लेना है और एक क्या लेना है, हेलोएरिन लेना है। तो क्या बोला, जैसे मैं ले रहा हूं यहां पर एल्किल हैलाइड लेना है, क्या लेना है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवानी है दो सोडियम के साथ, किसके साथ, टू एन ए, एन ए वही रहेगा। और अब यहां पर क्या रहेगा, हेलो एरिन, जैसे मैं क्या ले लेता हूं यहां पर हेलो एरिन, हेलो एरिन लेना है, ठीक है हेलो एरिन। तो आगे क्या बन जाता है, टॉलविन बन जाता है, क्या बन जाता है टॉलविन। और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूं यहां पर एल्किल हैलाइड में ले रहा हूं CH3Cl, क्लोरोमेथेन ले लिया प्लस दो एन ए के साथ अभिक्रिया, क्या लिया ये क्लोरोमेथेन, क्या लिया क्लोरोमेथेन। और यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं क्लोरोबेंजीन, ठीक है क्लोरोबेंजीन। तो ये है, और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, शुष्क ईथर की। तो यहां से ये सीएल निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा सीएल, और किसके साथ आ जाएगा टू एन ए के साथ, टू एन ए सी एल क्या हो गया निकल गया, टू एन ए सी एल क्या हो गया निकल गया। अब जो सी एच थ्री है वो किससे जुड़ जाएगा, इससे बेंजीन से, तो यहां पर क्या बन गया सी एच थ्री। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यहां पर टॉलविन, क्या बोला जाता है टॉलविन। जब बेंजीन लिंक से क्या जुड़ा होता है सी एस थ्री, क्या जुड़ा होता है सी एस थ्री, इसको क्या बोला जाएगा टॉलविन, ठीक है क्या बोला जाएगा टॉलविन। तो सवाल कैसे बनता है, कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, या तो बन सकता है कि एल्किल हैलाइड से टॉलविन, जैसे क्लोरोमेथेन से टॉलविन, या फिर बन सकता है सवाल कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से टॉलविन, ये क्या है क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन से क्या चाहिए, क्या टॉलविन, तो क्या करवानी पड़ेगी वोल्टास फिटिंग अभिक्रिया। अगर चाहिए क्लोरोमेथेन से क्या टॉलविन, तो क्या करवानी पड़ेगी वोल्टास फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टास फिटिंग अभिक्रिया, यह है रिएक्शन। इसके बाद देखो हमने क्या देखा, पहले वोल्टास अभिक्रिया देखी, उसके बाद वोल्टास फिटिंग, और इसके बाद क्या है फिटिंग अभिक्रिया, तीनों में से एक रिएक्शन आती आती है। तो खुद बताओ जब हमने वोल्टास अभिक्रिया देखी, दो अणु किसके लिए थे एल्किल हैलाइड के, जब हमने जो है वोल्टास फिटिंग देखी तो एक एल्किल हैलाइड लिया और एक क्या लिया हैलोएरिन। जब मैं फिटिंग की बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, दोनों हैलोएरिन आ जाएगा, हैलोएरिन हैलोएरिन। वोल्टास में क्या है, दोनों हैलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, वोल्टास फिटिंग में क्या है एक एल्किल हैलाइड एक हैलोएरिन, और उसमें क्या है फिटिंग में दोनों हेलो एरिन, फिटिंग में क्या हो जाएगा दोनों हेलो एरिन। ये है फिटिंग अभिक्रिया तीसरी, कौन सी अभिक्रिया है फिटिंग। तो वोल्टास ने क्या बोला था, दो अणु आर एक्स, वोल्टास फिटिंग में क्या आया था, बाकी कॉमन चीज तो आई है सोडियम और शुष्क ईथर, वोल्टास फिटिंग में क्या था एक आर एक्स प्लस एक हेलो एरिन, मतलब ए आर एक्स,
वो तब हमने क्लोरोबेंजीन लिया था वहां पे उसकी जगह पे। जब जो है बात आई किसकी सिर पर फिटिंग की, तो क्या लेना है, दो अणु ए आर एक्स मतलब हेलोएरिन के, हेलोएरिन को किससे डिनोट करते हैं ए आर एक्स। तो अब फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, दो अणु क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर बाईफेनिल या फिर डाईफेनिल, बाईफेनिल या फिर डाईफेनिल बनता है। तो जैसे सवाल आएगा कैसे प्राप्त करोगे, क्या क्लोरोबेंजीन से बाईफेनिल, कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। अब देखते हैं जैसे ये है सीएल, क्या लेना है दो एनए, क्या करना है ये आगे दो क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन, ये भी क्या है क्लोरोबेंजीन, किसकी उपस्थिति में करवानी है, शुष्क ईथर, कॉमन क्या क्या चीजें हैं, शुष्क ईथर और सोडियम। अब यहां से ये सीएल निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, सीएल क्या बना देगा, टू एनए सीएल, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये बीच में बॉन्ड से दिखाना है, इसको कट्ठे नहीं जोड़ना है, बीच में क्या है ये लाइन से दिखाना है, तो इसको क्या बोलते हैं डाई फेनिल। तो कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डाई फेनिल, तो कौन सी अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ये अभिक्रिया ना जो फिटिंग अभिक्रिया है, ये हेलो एल्केन की अभिक्रिया नहीं है, ये किसकी है, हेलोएरिन की अभिक्रिया। मैंने यहां पर जो है जानबूझ के करवाई, क्योंकि वोल्टेज भी हो गया था, वोल्टेज फिटिंग भी हो गया था, तो फिटिंग भी यहीं पे करवा रहा हूं, ठीक है, ताकि एक साथ रहे, तुम्हें जो है कंफ्यूजन ना हो, आसानी रहे समझने में। चौथी अभिक्रिया है मैग्नीशियम के साथ, अभी तक हमने सारी अभिक्रिया किसके साथ देखी, सोडियम धातु के साथ, अब किसके साथ होगी, मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ, धातु के साथ क्या अभिक्रिया। जब जो है मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया होती है हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन की, तो गिरगिनार्ड अभिक्रमक का निर्माण, किसका निर्माण होता है, गिरगिनार्ड अभिक्रमक का निर्माण। एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, गिरगिनार्ड अभिक्रमक का निर्माण। गिरगिनार्ड अभिक्रमक क्या होता है, आर एम जी एक्स, ये सामान्य सूत्र है इसका, नाम क्या हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, मैग्नीशियम क्या हैलाइड, ठीक है। तो देख रहे किस तरीके से होता है, जैसे मैं क्या लू यहां पर एल्किल हैलाइड लू, एल्किल हैलाइड, और अभिक्रिया करवा दो किसके साथ, एमजी धातु के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एमजी धातु, और अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, वही शुष्क ईथर, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर, किसका निर्माण हो जाएगा, गिरगिनार्ड अभिकर्मक का, गिरगिनार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ठीक। जैसे मैं एल्किल हैलाइड में लेता हूं CH3CH2Br, ये लिया मैंने, क्या लिया, ब्रोमो एथेन मतलब एथिल ब्रोमाइड लिया, क्या लिया, एथिल ब्रोमाइड, और इसकी अभिक्रिया करवाता हूं किसके साथ,
Mg के साथ, ठीक, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की, क्या बन जाएगा CH3 CH2 और Br के बीच में क्या आ जाएगा Mg आ जाएगा, CH3 CH2 और Br के बीच में क्या आ जाएगा Mg, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Mg Br, इसका नाम हो जाएगा एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम क्या ब्रोमाइड, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो कि क्या एक प्रकार का आर एम जी एक्स, आर की जगह पे क्या आ गया एथिल, एम जी की जगह पे एम जी और एक्स की जगह पे ब्रोमाइड। जैसे जो है मैं किसके साथ करवाता हूं, हेलो एरिन के साथ, किसके साथ हेलो एरिन के साथ, और हेलो एरिन में लेता हूं मैं यहां पर क्लोरोबेंजीन, क्या लेता हूं जैसे क्लोरोबेंजीन, ये लिया मैंने सीएल क्लोरो बेंजीन, अभिक्रिया किसके साथ करवानी है एमजी के साथ, किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला इसके बीच में, यहां देख रहा कार्बन और बीआर के बीच में क्या जुड़ रहा था एमजी, यहां पर इस कार्बन और सीएल के बीच में क्या जुड़ जाएगा एमजी, तो क्या बन जाएगा ये एमजी आएगा बीच में, यहां से क्या जुड़ गया सीएल, अरे आगे ये एमजी आ गया बीच में, क्या जुड़ गया उससे सीएल, इसका नाम क्या हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या नाम हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। इसके बाद दो बातें इंपॉर्टेंट है जो किसके रिलेशन में, गिरगिनार्ड अभिकर्मक के, गिरगिनार्ड अभिकर्मक से संबंधित दो बातें क्या है कि यहां पर देखो हमेशा याद रखना जो बॉन्ड टूटेगा वो इस R और Mg के बीच का टूटेगा, ठीक, जो ये R होता है इसमें माइनस होता है, Mg पे दो प्लस होता है और X पे क्या होता है माइनस, ये होता है ये R डेल्टा माइनस, Mg पे क्या होगा दो प्लस डेल्टा प्लस प्लस और X पे क्या होगा डेल्टा माइनस, जो ये वाला बॉन्ड होता है, जो ये वाला बॉन्ड होता है ये होता है सहसंयोजी, कौन सा बंध सहसंयोजी, और जो ये वाला बॉन्ड होता है ये होता है आयनिक, कौन सा होता है आयनिक, और बंध हमेशा किसके बीच का टूटता है बंध आर व एमजी, कहने का मतलब कार्बन व एमजी के बीच में के मध्य का टूटता है, ठीक है, कार्बन और किसके बीच का, मतलब जैसे बॉन्ड अभिक्रिया करवाओगे ना तो किसके बीच का, इससे कार्बन और Mg के बीच का, ये कार्बन किसका है इस R का ही तो है एल्किल समूह का, तो एल्किल समूह और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा, ये हमेशा याद रखना, ये जो है यहां से माइनस के रूप में निकलेगा, ये पूरा किस रूप में निकलेगा यहां से प्लस के रूप में, तो इस तरीके से जो हमने अभिक्रियाएं देखी, ठीक है, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं पूरी हो गई।